नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। थाना प्रभारियों पर गिरी कमिश्नर की गाज, 17 इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र बदले, चार लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों से नवागत कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के तेवर तल्ख हो गए हैं। आगरा में तैनाती मिलने के बाद रविवार देर रात पहली बार कमिश्नर एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने रविवार देर रात जिले के 17 थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। इसके अलावा चार थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अभी कुछ थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, उन्हें जल्दी हटाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर कमिश्नर की इसी सख्ती से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ ने रविवार को कमिश्नरेट के 17 थाना प्रभारियों में फेरबदल किया। वहीं हरि पर्वत समेत चार थाना प्रभारियों को लाइन भेज दिया। वहीं दो नए उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष बनाया है। एंटी रोमियो प्रभारी शैली राणा को प्रभारी निरीक्षक रकाबगंज, सुदामा लाल को रकाबगंज से प्रभारी निरीक्षक, मनसुखपुरा शाहगंज से आलोक कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक हरि पर्वत बनाया है। प्रभारी निरीक्षक मनसुखपुरा गंगा सागर और देवेंद्र कुमार दुबे हरि पर्वत को लाइन भेजा गया। किरावली से उपेश श्रीवास्तव को प्रभारी निरीक्षक सेंट बनाया गया। प्रभारी निरीक्षक समरेश सिंह को सैया से लाइन भेजा गया है। प्रभारी निरीक्षक अनवीर सिंह को कमला नगर से प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुरा, थाना अध्यक्ष कुशलपुरा सिंह को जगदीशपुरा से थाना अध्यक्ष लोहा मंडी बनाया गया। हरि पर्वत थाना प्रभारी को मिली कागरौल की जिम्मेदारी। निरीक्षक क्राइम हरि पर्वत राजीव कुमार को प्रभारी निरीक्षक कागरौल, अमित कुमार मान को कागरौल से प्रभारी निरीक्षक शाहगंज, पीआरओ पुलिस आयुक्त तरुण धुमान को प्रभारी निरीक्षक जैतपुर, प्रभारी सर्विलांस सेल राकेश कुमार को प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद बनाया गया है। वहीं चौकी प्रभारी मोहित कुमार को पहली बार थानाध्यक्ष पिनाहट, चौकी प्रभारी टोपीनगर सविंद्र कुमार को एसओ कमला नगर बनाया गया है। थानाध्यक्ष पिनाहट नीरज कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया है। कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को सुधार का एक मौका दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो कमिश्नर के पास थाना प्रभारियों की एक और सूची लंबित है, इन पर भी कभी भी कार्रवाई हो सकती है। माना जा रहा है कि नवागत कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने पुलिस कर्मियों को और अफसरों को सुधारने का एक मौका दिया है। अगर इन थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता दिखेगा तो जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें देहात क्षेत्र के कुछ थाना प्रभारी और बदल सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।